आज बनाएंगे शाम के स्नैक्स की ऐसी जबरदस्त और यूनिक रेसिपी जो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को मजा आने वाला है। ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा यूनिक है और शायद ही आपने कभी ट्राई करी होगी। इसको आप एक बार बना लेंगे दोस्तों, आपका मन करेगा रोज रोज इस रेसिपी को बनाने का। ये जितनी ज्यादा देखने में ऑयली लग रही है उतनी ही कम ऑयली होगी जब हम इसे बना के तैयार करेंगे, तो आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में पता चलने वाला है, क्योंकि इसमें डलने वाली जो सामग्री है वो है ही इतनी हेल्दी है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें लगभग आधी से पौनी कटोरी चावल, आधी से भी कम पीली मूंग की दाल, थोड़ी सी हमने डाली है मसूर की दाल और थोड़ी चने की दाल। बस अब इन दालों को आपको अच्छे से पहले तो वॉश कर लेना है। आपको इसको वॉश करने के बाद लगभग 2 घंटे के लिए सोक करके रखना है, यानी कि आपको इसको पानी में भिगो के 2 घंटे के लिए छोड़ना होगा। लेकिन सबसे पहले मैं इसको वॉश करके इसका स्टार्च वाला या फिर गंदा पानी साइड कर लेता हूँ। तो चलिए, मैंने अच्छे से इसको वॉश करा लिया है, अब मैं इसका फटाफट से पानी ख़त्म कर लेता हूँ और उसके बाद इसको कुछ देर, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 घंटे कुछ पानी में भिगो के सोक करने के लिए रख दूंगा। तो मैं अब इसको पीछे करके रख देता हूँ और 2 घंटे बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या करना है। तो चलिए, 2 घंटे हो गए हैं दोस्तों। अब हमने इस सारे मिश्रण का, ये जो पानी है इसके समेत ही एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। तो चलिए फटाफट से ये सारा का सारा हम अपने मिक्सी के जार में डाल लेते हैं ताकि हम इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर सकें। ये दोस्तों इतने रिच है प्रोटीन में, विटामिन्स में, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें दालें डल रही हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हानिकारक हो। पेस्ट बनाते वक्त हम थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे, अदरक और लहसुन अपनी चॉइस, अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर ऐड करिएगा, साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया। और दोस्तों फटाफट से अब हम इसको एक गाढ़े पेस्ट में बदल देंगे। तो चलिए धनिया डाल देते हैं। और दोस्तों जब आप इसका पेस्ट बनाएं, अगर आपका पानी पूरा सूख गया हो तो आप हल्का पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एंड में पानी ऐड करेंगे तो फ़ायदा रहता है ताकि आपकी कंसिस्टेंसी ख़राब ना हो। तो फटाफट इसको बंद करते हैं और इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। दोस्तों ये इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, साउथ इंडिया में तो लोग इसे बहुत प्रेफर करते हैं क्योंकि ये हेल्दी बहुत ज़्यादा है। इसका एक गाढ़ा पेस्ट हमने बना के तैयार कर दिया है और आप उसको एक बाउल में खाली कर लीजिए। कंसिस्टेंसी ठीक है, अब और पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, अब इसमें मसाले ऐड करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं इसमें डालता हूँ थोड़ी सी हल्दी, उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगा नमक और लाल मिर्ची। तो सबसे पहले लाल मिर्ची गया, देगी मिर्च है दोस्तों, अच्छा कलर भी आ जाता है इसका। अब मैं इसमें दोस्तों डाल लेता हूँ थोड़ा सा नमक, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं इसमें, साथ ही में थोड़ा सा गरम मसाला। ये डाला है दोस्तों मैंने मीठा सोडा, मीठा सोडा से बहुत ही अच्छा फूला बनके तैयार होगा। हल्का सा हरा धनिया, पेस्ट में भी हरा धनिया डाला था, ऊपर से भी हरा धनिया। अच्छे से इसे मिक्स करें, लगभग इसको मिक्स करने में 1-2 मिनट लगाएं। जितना ही अच्छे से मिक्स होगा उतना ही अच्छा फूला बनेगा, क्योंकि लास्ट में हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है और बेकिंग सोडा की ही मदद से ये अच्छा फूला फ्लफी बनता है। तो इसीलिए हमने इसको अच्छे से ऐसे घुमा लेना है और जैसे मैंने आपको बताया इसे 1-2 मिनट लगा के अच्छे से मिक्स करें। चलिए साथ ही में दोस्तों अब हम एक पैन ले लेते हैं और पैन के अंदर डाल देते हैं दोस्तों हम कुछ ऑयल। ऑयल आप अपनी चॉइस का डाल लीजिए जो आप अपने घर में कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ऑयल डाल लिया है, मैं जब भी फ्राइड चीज़ें बनाता हूँ तो मैं ये ऑयल अलग करके रख लेता हूँ घर में। तो चलिए दोस्तों अब मैं ले आता हूँ जो मिश्रण मैंने तैयार किया है, लेकिन ऑयल को थोड़ा गर्म होने देता हूँ। ऑयल मेरा लगभग गर्म हो गया है, तो अब इस मिश्रण को जो मैंने तैयार कराया है और एक प्लेट ले लिया जिसमें मैंने टिश्यू लगाया है, क्योंकि जब ऐसे ही फ्राइड होंगे तो उसके बाद हम इन्हें टिश्यू पे निकाल लेंगे। और कंसिस्टेंसी देख लीजिए दोस्तों, गाढ़ापन, इससे थोड़ा ज़्यादा भी गाढ़ा होगा तो चलेगा, लेकिन इससे पतला बिल्कुल ना हो। चलिए दोस्तों अब फटाफट से इसको मिक्स कर लेते हैं, एक बार और घुमा लेते हैं और उसके बाद हम इसको डाल लेते हैं। आप डालते वक्त इसके गाढ़ेपन पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी थिकनेस इसकी, ये जाते हुए बैठ रहा है आराम से अंदर, इसका मतलब क्या है, इसका गाढ़ापन एकदम ओके है। ऐसे ही आप एक बार एक कढ़ाई में 3 से 4 जितना स्पेस हो उतना डाल लीजिए, 2 का स्पेस हो तो 2 डाल लीजिए, और 1 से 1.5 मिनट के बाद ये अपने आप पैन को छोड़ने लगेगा, आप इसकी साइड को पलट दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये हेल्दी है क्योंकि इसमें दाल है, दालें के साथ साथ चावल है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मज़ेदार रेसिपी है। इसे केचप के साथ खाइए, इसे कोकोनट की चटनी के साथ खाइए, घर में कड़ी बना के खाइए, ये सब चीज़ों के साथ, सांभर के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। साइड्स को अच्छे से पलट दीजिए
और दोस्तों दूसरी भी साइड से अच्छे से पका लीजिए। ये लास्ट में डाला था इसलिए इसे थोड़ा सा लेट मैंने पलटा है। चलिए दोस्तों बस आधा मिनट और फ्राई, कलर चेंज हो जाएगा और उसके बाद मैं सारा का सारा बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से फ्राई हो गया है फ्रेंड्स। तो समय आ गया है दोस्तों इसको झटपट बाहर निकाल लेने का, क्योंकि ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो मैंने आपके सामने एक प्लेट रखी थी जिसपे मैंने एक टिश्यू पेपर लगा के रखा है, तो बस ये उसी में निकाल लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया खुशबूदार है दोस्तों दालों का ये मिश्रण, इतना यम्मी लगता है, एकदम वड़ा की तरह। दाल के वड़े खाए होंगे दोस्तों आपने, कुछ उसी तरीके का लगता है खाने में। ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया। आप चाहें तो इसे वड़ा भी कह सकते हैं, ये वड़े के जैसा है, बिल्कुल वड़ा नहीं है। और सांभर के साथ तो बहुत ही यम्मी लगता है, और नारियल की चटनी के साथ भी उतना ही अच्छा लगता है। तो दूसरा बैच था हमारा, दोनों के दोनों बैच रेडी हैं। झटपट अब मैं इसे निकाल लेता हूँ दोस्तों साइड बदलने के बाद, और फिर आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसे खाया कैसे। जब तक ये बाहर निकलता है दोस्तों और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए।